गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हो गाइस? एक सीज़न जा रही है, एक आ रही है। मतलब जब सीज़न चेंज होती है तो अक्सर सर्दी ज़ुकाम। कल रात शौर्य को सर्दी, 2 दिन पहले ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा फील हुआ था। जब उसको थोड़ा वायरल फीवर हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि सर्दी की असर है, लेकिन तब नहीं। लेकिन कल शाम को उसको खांसी और सर्दी ज़ुकाम, और मुझे भी थोड़ी। लेकिन मेरा रीज़न ये है, फैंटा मैंने पी थी और इसका नाश्ता रेडी किया है मैंने। सेरेलेक है नीचे, ड्राई फ्रूट पाउडर और एक खजूर हमेशा मैं ऐड करती हूँ डेली, 1 डेट्स तो मैं देती हूँ। और कल रात को मैंने कुछ रूटीन चेंज किया है। जब शौर्य सो जाता है तब ऐसा होता है कि मैं ये काम कर लूँ वो कर लूँ, तो मैंने कल कबूतर और जो हमारे नए कोकाटिल है दोनों का मैंने फूड मैंने स्टोर किया, मतलब मिक्स किया। तो मैं बताऊँगी कि कबूतर के लिए मैंने क्या क्या डाला और कोकाटिल के लिए। कबूतर तो दाने ही खाता है, सीड्स खाता है, लेकिन कोकाटिल कुछ कहते हैं ना जिसमें रस हो, जैसे क्यूकुम्बर, कुछ ऐसे फ्रूट्स जिसमें रस हो, तो ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खाते हैं, वो भी बताऊंगी। तो मैंने दोनों के सीड्स के मिक्स करके दाने फूड मैंने स्टोर कर दिया। कल रात को मैंने ये काम किया। तो अभी मैं जा रही हूँ। आज गाइस इतनी ठंड है तो मैंने शौर्य को मैंने स्वेटर पहनाया है, इनके लिए। बहुत जल्द आई थिंक आज से स्टार्ट होगा, एक रूम बनवा रहे हैं जो हमारी तरह मजबूत। आई थिंक वहाँ हमने जगह सिलेक्ट की है जो कैमरे के पास है, तो उसकी हाइट देखेंगे, सीसीटीवी कैमरा उसकी हाइट देखेंगे, उसके हिसाब से नीचे उसका शेड लगाएंगे। तो आज आई थिंक हमें कल गांव में एक वही मिले थे, तो आज हम कबूतर का भी घर स्टार्ट कर देंगे बनवाना। तो क्या है कि 2 दिन में हो जाएगा, तो उनको अंदर छोड़ दे, एटलीस्ट वो फ्री हो जाए। ये तो अभी इस तरह से हमने रखे हैं। तो मैं जा रही हूँ शौर्य को नाश्ता खिलाने। ये है कबूतर का फूड और ये है कोकाटिल का। कल रात को मैंने ये तो सिर्फ क्वांटिटी के लिए मैंने रखा है। एक तो मूंगफली के दाने मैंने थोड़े क्रश किए, वैसे वो पूरे खाते हैं। मूंगफली के दाने कबूतर को बहुत ही पसंद है, बहुत फेवरेट है। अगर आपको टेम करना है तो मूंगफली के दाने फट से आके हाथ में बैठ जाएंगे। इसमें है चावल, बाजरा, ज्वार। तो ये है कबूतर के जो सीड्स है मैंने मिक्स किया है, ये फूड मैंने रेडी किया है। और दो है, सेम ना लगे इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है, ताकि जेंट्स को इतना मतलब फटाफट करना होता है, इतना ध्यान नहीं देते। ये खोला और डाल दिया, इसलिए मैंने ये, अगर वासो भी करे। और ये है कोकाटिल का, इसमें है कांग। कांग गोल्डन कलर की रहती है, बहुत ही बारीक दाने रहते हैं। बाजरा है, छोटे चावल है और सूरजमुखी के सीड्स है। ये है सूरजमुखी के सीड्स। तो ये है मैंने कोकाटिल का, इसमें भी मैंने मूंगफली, लेकिन इसमें मूंगफली वो पूरे खाते नहीं, उनको आदत नहीं है। कबूतर क्या है कि पूरे निगल जाते हैं फट से, तो इसके तो इतनी आदत नहीं है। तो मैंने ज़्यादा क्रश किए है मूँगफली के दाने। तो मैंने ये दोनों बर्निया नाम के हिसाब से स्पेसिफाई, उनको मतलब फटाफट वो डाल सके खोल के। और कबूतर का जो आगे है पिंजरा, तो वो रूम कंप्लीट हो जाएगा तो उसका फूड उधर चले जाएगा। और कोकाटिल तो मेरे पास रहेंगे, मेरे रूम में रात को और दोपहर अंदर आ जाते हैं, तो उसका फूड मेरे पास रहेगा। तो ये दोनों बर्निया आप देख सकते हैं, बाजरा है, चावल है, कांग और सूरजमुखी के सीड्स, उसका फूड मिक्स किया है। और ये है कबूतर का, इसमें ज़्यादा रखे हैं मैंने बड़े मूँगफली के दाने, ज्वार,
चावल और बाजरा, ये दोनों बर्निया मैंने इसलिए कंप्लीट कर दिए, गुजराती में भी नाम लिख दिया है और ये उधर चली जाएगी, 2 दिन में तो कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 दिन में तो एक फूड यहाँ रहेगा और एक फूड वहां जाएगा। जैसे तुझे कहा था कि सर्दी खांसी है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा रहता है बच्चे को, अगर ये बीमारी हो मतलब सर्दी खांसी में अक्सर बच्चे चिड़चिड़े। तो अभी जस्ट दूध पिया और पापा ने गर्म पानी रखा मुझे। मैं अक्सर 11:30 12 बजे तक मैं नहलाती हूँ, क्योंकि वो 10 मिनट तक टब में बैठा रहता है, पानी के साथ खेलता है। इस तरह से मतलब 12 बज जाते और 12:15 या 12:30 बजे मैं उसका लंच कराती हूँ। लेकिन सुबह मैंने दवाई दी थी खांसी की और सर्दी की, तो अक्सर हमें नींद सी रहती है क्योंकि वो दवाई थोड़ी हैवी रहती है लिक्विड की। ये तो हमारे हमारे साथ भी होता है। तो दूध पिया और दूध पीते पीते ही सो गया, दूध कंप्लीट कर दिया। लेकिन अभी जस्ट मैं उसको नहलाने जा रही थी लेकिन वो सो गया। शायद 1 घंटा या आधा घंटा अच्छी सी नींद करेगा, तब तक मैं अपना रूम क्लीन कर देती हूँ, छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। आज मैंने मेरे सारे गमले में भी पानी डाल दिया है, क्योंकि वो वुडन का जो वेयर है, जो वेस्टेज है, मैंने जो डाला था तो उसकी वजह से काफ़ी मिट्टी गमले जो है गीले रहते हैं, काफ़ी फर्क पड़ा है, डायरेक्ट धूप नहीं आती इसलिए। तो मैं अपना छोटा मोटा काम कंप्लीट कर देती हूँ, रूम क्लीन कर देती हूँ। वाली वाली कर, तो ये मुकी दे, वाली वाली कर, वाली वाली सिल्वर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो गाइस? सिल्वर को देख के आपको आइडिया आ चुका होगा कि हम बड़ौदा में है। एक्चुअली जिस दिन में कोकाटीर और पिजन का फूड जब मिक्स करके मैंने भरनी में जब भरा, तब भी मैं पैकिंग की तैयारी कर रही थी और इतना श्योर नहीं था, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या है कि शौर्य को कैबिन वाली चीज़ों से बहुत डर रखता है, जैसे कि लिफ्ट हो या फिर स्लीपर कोच बस हो। उसी शाम, परसों शाम हम आए निकले और सुबह पहुँचे, तो स्लीपर कोचिंग में आना था तो डर रहता है, इसलिए सावज को लेने आना पड़ता है, छोड़ने आना पड़ता है। वो तो वापस कल रिटर्न हो गए, दीदी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो 4 महीने हो गए थे, तो सोचा था कि चलो 2 काम हो जाएंगे। एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और काफ़ी वक्त हो गया, तो हम अचानक से मैंने प्रोग्राम किया और उसी दिन मैं पैकिंग कर रही थी और हम निकले। और सिल्वर सो रही है, अभी दोपहर का टाइम है, शौर्य भी सो गया है। शौर्य को सर्दी जुकाम उस दिन ज़्यादा था, अभी नॉर्मल है, लेकिन मुझे मुझे थोड़ा ज़्यादा है, दवाई चालू है। लेकिन सर्दी का क्या है, वक्त लगता है।
इस बार यहाँ मैंगो इतने नहीं है, मतलब फूल की स्टार्टिंग है। जैसे फार्म में कुछ पेड़ों पे अभी भी मोर लगना चालू हुआ है और कुछ में आम है, या ऊपर तक बस, या जस्ट कह सकते हैं स्टार्टिंग है, ऐसे वहाँ भी यही हाल है। कुछ पेड़ों में मैंगो आ चुकी है और कुछ में अभी स्टार्टिंग है। हमारी सोने की जगह काफी हाइट वाली है। सिल्वर सिल्वर ए सिल्वर बहुत गहरी नींद में है। हाय, वैसे ये माहौल अभी सर्दी और जुकाम का है। कहीं भी जाओ, ठाकुरवाड़ी से लेके बड़ौदा तक मैं जितने भी मुझे मिलते हैं यही ज़्यादातर केस है सर्दी जुकाम के। और अभी जस्ट मैंने किचन का काम क्लीन किया और शौर्य तो सो गया है, तो सिल्वर यहाँ सोई है, मुझे उसको लेना है अंदर रूम में। हमारा डिनर कंप्लीट हो गया और अभी हम बैठे हैं आराम से सोफे पे। यहाँ सोने का टाइम उसका चेंज हो जाता है, फार्म पे होता है तो एक सेकंड, फार्म पे होता है तो 9:15 तो सो जाता है। अभी जस्ट 9:15 है और यहाँ 9:30 हो जाएंगे तब जाके वो सोएगा। तो यहाँ आता है तो नॉर्मली जब भी जगह चेंज होती है तो रूटीन भी चेंज होता है, जैसा मेरा वैसा उसका भी। अभी आराम से बैठा है। वो जो रिसेंटली एक जो झूला वहाँ फार्म पे अक्सर झूला झूलता था, उसकी मौसी ने दिया था, लकड़ी की काठी बेटा, उसकी मौसी ने दिया था, वो अभी टूट गया। तो अभी मैंने कल सबसे पहले झूला लिया, अभी बाहर लगाया है। तो वो झूला बहुत ही बढ़िया था, वेलवेट का गद्दी वाला, मतलब वो आराम से बैठे बैठे, कभी कभी तो दो बार तो उस पर झूला झूलते झूलते सो भी गया है। तो फिर मुझे दूसरा लेना पड़ा, ऐसा नहीं मिला और मुझे ऐसा रिपीट नहीं लेना था। तो 1-2 साल के लिए या फिर 1.5 साल के लिए इस तरह से मैंने अभी छोटा ही लिया है जानबूझ के, वरना जो वुडन के आते हैं बम्बूस के बने होते हैं और आजकल तो स्टील के भी आते हैं लेकिन बड़े बैठ सकते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लेना था। तो मैंने अभी, मैं बताती हूँ, मैंने छोटा लिया अभी झूला। तो ये लिया है, शाम को बैठा था इस तरह से। हाइट ज़्यादा नहीं है, जब वो खड़ा होता है तो पैर उसके ज़मीन पे छू जाते हैं। ये है सपोर्ट के लिए, यहाँ इस तरह से लॉक हो जाता है, बहुत बढ़िया है। करीबन 35 kg की कैपेसिटी है। तो ये है शौर्य का नया झूला। जब भी कोई इस तरह से चीज़ें ले तो बच्चे का वेट या फिर जो भी टॉयज़ की कैपेसिटी है, साइकिल है, गाड़ी है, तो ये अक्सर चेक करना चाहिए कि हम मतलब पता कर सके कि कितने साल तक हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी 1 साल के लिए मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ये बैठ सकेगा, लेकिन अभी कंफर्टेबल है, मैंने चेक किया है तभी जाके लिया। तो ये है शौर्य का नया झूला, वो भी बहुत बढ़िया था, टूट गया। वो
पूरा रूम टॉयज से भरा है। और यहाँ कॉर्नर पे कोई है। हमारी अक्सर आंखें दिन में बंद होती है, अभी खुली हो रहती है क्योंकि रात हो चुकी है। उल्लू की तरह है ये, पूरी रात जगेगी। और सारे टॉयज को मैंने ठीक करके रूम क्लीन करना है, ठीक बिल्कुल वैसे जैसे मैं वहां करती हूँ। ड्राइंग रूम में अक्सर हमारा अड्डा रहता है, वैसे अलग अलग रूम में और किचन में जाता है, लेकिन अक्सर यहाँ उसका खेलने का रहता है टाइमिंग। चलिए टाटा कहो बेटा, टाटा कह दो, टाटा। चलिए गाइस, आज का व्लॉग मैं बंद करती हूँ। सबको गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं फिर।